बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उर्दू इकामा न्यूज़ के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, 1500 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने इकामा और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 1500 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियाँ 12 रजब से 9 रमज़ान 1441 हिजरी के मुताबिक 2 मई 2020 तक अमल में आईं। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जमान कर्नल शाकिर ने वाजे किया कि इन दिनों सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार रियाज शहर और इसकी कमिश्नरियों में जगह जगह इकामा कवानीन और सरहदी सलामती के जवाबित के खिलाफ वर्जी करने वालों का ताकुब कर रहे हैं। मुबीना गिरफ्तारियाँ इसी का हिस्सा हैं। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें से बाद रियाज रिजन के गारों और ख़तरनाक पहाड़ी शगाफों में छुपे हुए थे। तर्जमान के मुताबिक बाज के खिलाफ FIR दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी मॉनिटरी अथॉरिटी समा ने कहा कि डॉलर के साथ सऊदी करेंसी रियाल का मजबूत ताल्लुक है। एक डॉलर 3.75 रियाल के बराबर था, है और रहेगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक समा ने पीर 4 अप्रैल को बयान में कहा कि अमरीकी डॉलर के साथ सऊदी रियाल 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक है। इसकी बदौलत सऊदी मईशियत की शरह नमू बेहतर हुई है। समा ने वादे किया कि एक डॉलर की सरकारी कीमत 3.75 रियाल माजी की तरह मुस्तकबिल में भी बरकरार रखी जाएगी। सऊदी वजारत इंसाफ ने कहा कि दारुल हुकूमत रियाज में कोरोना बहरान के दौरान 542 निकाह ऑनलाइन किए गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत ने ऑनलाइन निकाह के लिए नाजिज गेट के जरिए दूल्हा दुल्हन को अदालतों में हाजिरी के बगैर निकाह की सहूलत फराहम कर रखी है। ऑनलाइन निकाह से एक सहूलत ये भी मुहैया होती है कि नए जोड़े को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल जाना नहीं पड़ता, बल्कि ये काम भी ऑनलाइन अंजाम पाया जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मकामी शहरियों को निकाह का अंदराज महकमा अहवाल मदीना में करवाना पड़ता है। निकाह का अंदराज ऑनलाइन हो जाता है, इसके लिए अलग से कोई कार्रवाई की ज़रूरत पेश नहीं आती। हरम मक्की शरीफ में अजान देने के लिए मुख्तस जगह को दिन में 7 मरतबा साफ़ किया जाता है। सफाई में 1200 लीटर पानी, साबुन और सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। नमाज से पहले और फौरन बाद कालीनों की तब्दीली होती है। पुराने कालीन गोदाम जाने से पहले साफ़ किए जाते हैं। हरम शरीफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए सैनिटाइज़र मौजूद है। इसके अलावा नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाता है। असीर रेजन में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों को घर को बार बार शाप बनाने के इल्ज़ाम में अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। बल्दिया के शिकायत सेल को एक शहरी की जानब से इतला मिली थी कि गैर मुल्की ने अपने घर को बार बार शाप बनाया हुआ है, जहां कर्फ्यू में नरमी के अवकात में बड़ी तादाद में लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इतला मिलने पर बल्दिया की तफ्तीशी टीमें मौके पर पहुँची तो इतला दुरुस्त साबित हुई। बल्दिया के एहलकारों ने अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हजाम को गिरफ्तार कर लिया। वाज़े रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए वजारत सेहत ने सबसे पहले जिन पेशों पर पाबंदी आयद की थी, इनमें हजाम का पेशा शामिल है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।